हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फेमस पर्सनालिटीज बाय एमएचके। यहाँ हम आपको दुनिया के तमाम मशहूर लोग और उनसे रिलेटेड वाक्यात के बारे में बताएंगे। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट अपडेटेड टू आवर न्यू वीडियोस। आज की वीडियो में हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हालात और वाक्यात के बारे में जानेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जद्दुल अमजद भी कहा जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। आपके वालिद का नाम तारिक था, लकब आजिर था, इसका मतलब है मदद करने वाला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुरान पाक में 73 मरतबा जिक्र है। आपकी पैदाइश इराक के शहर बाबुल, जिसे बेबलोन सिटी कहा जाता है, वहाँ हुई। वहाँ पर बुत परस्ती आम थी। बाबुल के आसपास उस वक्त नमरूद बादशाह की हुक्मरानी थी, जो कहते हैं सबसे पहले ताज नमरूद ने बनवाया था। वो अपने जोरे बाजू पर अपनी वायसी अपनी पुस्तिश करवाता था। उसने एक रात ख्वाब में देखा कि आसमान पर एक सितारा नमूदार हुआ है, जिसने तमाम चांद और सितारों की रोशनी को मानिंद कर दिया है। इसने अपने नजूमे को बुलाया और उसकी तबीर पूछी। उन्होंने कहा, अन करीब यहाँ एक बच्चा पैदा होगा जो हमारे खुदाओं के बदले एक खुदा की इबादत का हुक्म देगा। नमरूद ने अपने मुल्क में पैदा होने वाले हर बच्चे को कत्ल करवाने का हुक्म दे दिया। इस तरह बाबुल की सरजमीन बच्चों के खून से सुर्ख हो गई। आजिर और उसकी बीवी को अपनी औलाद का खून कबूल ना था। उन्होंने छुपकर अपने बेटे की परवरिश की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालदा ने उनको एक गार में जन्म दिया। बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द करके वापस घर आ गई और बकायदगी से वो गार में जाती, बच्चे को दूध पिलाती और वापस आ जाती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचपन से ही अकल और सलीम अता की थी। वो सोचते थे कि जिनको हम अपने हाथों से तराशते हैं वो खुदा कैसे हो सकते हैं। वो दिन रात इसी जस्तजू में लगे रहते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दावत की तबलीग सबसे पहले अपने वालिद से शुरू की। उन्होंने अपने वालिद से कहा कि आप इन बुतों की इबादत क्यों करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बाप दादा को ऐसे ही पाया है। उन्होंने अपने वालिद से कहा कि अल्लाह की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराएं। मुझे खौफ है कहीं अल्लाह का आप पर अजाब ना आए। बुतों की पूजा शैतान की पूजा है। आपके वालिद ने कहा, तू मेरे माबूदों से बेजार है, अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा और तू मुझसे एक मुद्दत के लिए दूर हो जा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, आप पर सलामती हो, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश तलब करता रहूंगा। आप अपने वालिद से लाताल्लुक हो गए। आपने जब अपनी कौम को तौहीद की दावत दी, आपकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। आप उन बुतों से बेजार थे और कहते थे, अल्लाह की कसम किसी दिन मैं तुम्हारे बुतों का इलाज करूंगा जब तुम सब मौजूद नहीं हो गए। उनके यहाँ हर साल एक त्यौहार होता था जिसमें लोग खुशियाँ मनाते थे और फिर खाना बनाकर बुतों के सामने रखते थे। इस त्यौहार पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके साथ खुशियाँ मनाने नहीं गए। लोगों के पूछने पर उन्होंने कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, और वो घर रहे। लोगों के जाने के बाद वो गए और सारे बुत तोड़ डाले और सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और उसके कंधे पर कुल्हाड़ी रख दी। जब सब लोग वापस आए तो उन्होंने कहा, ये किसने किया? तो लोगों ने इब्राहिम को बुलाया और कहा, इब्राहिम, हमारे माबूदों के साथ ये हरकत तुमने की है। इब्राहिम ने कहा, ये बड़े बुत से पूछो। आपकी बात पर उन्होंने कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम ये बोल नहीं सकते? इब्राहिम ने कहा कि तुम उसकी इबादत करते हो जो बोल नहीं सकते। ये सुनकर लोग चुप कर गए। उन्होंने फैसला किया कि इब्राहिम को सख्त सजा दी जाए। चुनाची लोगों ने बहुत सी लकड़ियां जमा की और एक बहुत बड़ा आतिशकदा तैयार किया गया ताकि दोबारा कभी कोई ऐसी हरकत ना कर सके। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा तो उन्होंने ये दुआ पढ़ी, हमें अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो आग ठंडी हो गई और लोग देखकर हैरान रह गए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में आराम से बैठे हैं। इतना बड़ा मौजजा देखने के बाद भी पूरे शहर में कोई शख्स ईमान न लाया सिवाय हजरत लूत अलैहिस्सलाम के, जो कि आपके भतीजे थे। जब नमरूद को इस बात की खबर पहुंची तो उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, तेरा रब कौन है? आपने कहा, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और वही मारता है। इस पर नमरूद ने जेल से दो गुलामों को बुलाया और एक को मार दिया और एक को छोड़ दिया और कहने लगा, मैं भी मारता हूँ, मैं भी जिंदगी देता हूँ। इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि कोई ऐसी दलील देनी चाहिए जिससे हक और बातिल साफ साफ जाहिर हो जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, तो मगरिब से ले आ। ये बात सुनकर नमरूद का सर झुक गया। वो जान गया था कि असल मामला क्या है। उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, आप यहाँ से चले जाएं। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हराम नामी बस्ती में शाम की तरफ हिजरत कर गए। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हम उसे यानी इब्राहिम और लूत को बचा कर उस जमीन की तरफ ले आए जिसमें हमने जहान के लिए बरकत रखी थी। और वहीं पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत सारा अलैहिस्सलाम से शादी कर ली। इस शहर के लोग सितारों की इबादत करते थे, वो नजूम परस्त थे।
उनकी इबादत का वक्त रात को होता था। इब्राहिम उन्हें ये दिखाना चाहते थे कि इन चीजों की इबादत बातिल है। अल्लाह ताला ने आसमान के दरवाजे खोल दिए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चांद सितारों सियारों और आसमानों जमीन की सल्तनत को देखा। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तमाम पर्दे खत्म कर दिए जो आम लोगों की आंखों पर होते हैं। उन्होंने वो कुछ देखा जिसे आज की रसदगाहें भी नहीं देख सकती। अल्लाह ताला सूरत इनाम आयत 75 में फरमाते हैं, और इसी तरह हमने इब्राहिम को आसमान और जमीन की सल्तनत का मुशाहिदा करा दिया ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हरान शहर के लोगों को लेकर एक रात निकले तो एक सितारा नमूदार हुआ जिसकी चमक दमक बहुत थी। उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बतौर मजाक कहा, ये मेरा रब है। कुछ देर के बाद वो छुप गया तो आपने कहा, जो छुप जाए वो रब कैसे हो सकता है। अगली रात फिर आप लोगों के साथ बाहर निकले तो चांद को देखकर ऐसे ही कहा, मगर चांद भी गरूब हो गया तो आपने कहा, आखिर रब कैसे छुप सकता है। सुबह हुई, सूरज तुलू हुआ तो आपने कहा, ये तो बहुत बड़ा है, ये मेरा रब है। मगर शाम को सूरज भी गरूब हो गया तो आपने लोगों से कहा, ये सब मखलूक है, इनका रब तो कोई और है। मगर लोग अड़े रहे। आपने कहा, मुझे तो अल्लाह राह दिखा चुका है, तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे हो, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते। इन लोगों ने फिर भी कुफ्र किया और कोई भी ईमान न लाया। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्र चले गए। वहाँ के बादशाह को पता चला कि वहाँ एक आदमी आया है जिसकी बीवी बहुत हसीन और जमील है। बादशाह ने कहा, इस औरत को बुलाओ और उसके साथ कौन है पता करो, अगर उसके साथ उसका शोहर है तो उसको कत्ल कर दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा, ये काफिरों की सरजमीन है, अगर कोई तुमसे पूछे तो कहना कि तुम मेरी बहन हो। जालिम बादशाह ने हजरत सारा अलैहिस्सलाम को बुलाया और पूछा, ये आदमी कौन है। उन्होंने कहा, ये मेरा भाई है। तो उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जाने दिया और सारा को अपनी तहवील में ले लिया। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और कहा, ए अल्लाह, मुझे इस आदमी की शर्त से बचा, मैंने खुद को अपने खावंद के अलावा हर किसी से महफूज रखा है। वो बादशाह जैसे ही हजरत सारा अलैहिस्सलाम को हाथ लगाने लगा उसका हाथ छल हो गया। इस पर हजरत सारा अलैहिस्सलाम डर गईं और उन्होंने सोचा, अगर ये मर गया तो लोग कहेंगे मैंने इसको मार डाला है। उन्होंने अल्लाह से दुआ की और वो आदमी का हाथ ठीक हो गया। मगर जब बादशाह का हाथ ठीक हुआ दोबारा उसने वही हरकत की। ऐसा 3 दफा हुआ। तीसरी मरतबा उसने कहा, अगर अब मैं ठीक हो गया तो मैं तुझे जाने दूंगा। तो हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और उसका हाथ ठीक हो गया। उस बादशाह ने हजरत सारा अलैहिस्सलाम को एक कनीस हाजरा के हमरा रुखसत कर दिया। यूं वहां से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम वहां से हिजरत कर गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब 86 बरस के हुए तो हजरत सारा ने सोचा कि मैं बाज हूँ और हमारी कोई औलाद नहीं। चुनाचा हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा से जो उनकी बांदी थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शादी करवा दी। उनसे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम हुए। हजरत सारा अलैहिस्सलाम जब हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को देखती थी तो उन्हें गैरत आती थी। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को सारा से अलग कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, हाजरा और इस्माइल को साथ ले लें और मक्का की तरफ रुख कर लें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का की तरफ रवाना हुए। जगह बिल्कुल वीरान और बेआबाद थी, ना कोई इंसान था ना पानी। सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम को बहुत हैरत हुई। उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, तुम्हें कहाँ छोड़े जा रहे हो। सैयदा हाजरा उनके पीछे चलती रही और पूछती रही मगर उन्होंने कोई जवाब न दिया, चलते रहे। उन्होंने कहा, हमें किसके हवाले कर रहे हो। आखिर सैयदा हाजरा ने कहा, क्या आपको अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है। आपने कहा हाँ। हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर ये बात है तो अल्लाह हरगिज़ हमारा अजर ज़ाया नहीं होने देगा। जब इंसान अल्लाह के अहकाम बजा लाए तो उसके दिल से फिक्र का खौफ निकल जाता है। पाक पानी चंद दिन में खत्म हो गए, पानी का एक कतरा भी ना रहा। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पानी की तलाश शुरू की। औरत कितनी ही बहादुर क्यों ना हो, अपने बच्चे को भूख से बिलकते नहीं देख सकती। उन्होंने बच्चे को वहीं छोड़ा, इधर उधर नजर दौड़ाई, शायद कहीं से पानी या खुराक या कोई इंसान नजर आ जाए। वो मरवा पहाड़ी पर चढ़ गई, वहां भी चारों तरफ नजर दौड़ाई लेकिन कुछ नजर न आया। सफा पहाड़ी की तरफ दौड़ी, दरमियान में नशीब की वजह से बच्चा नजर न आया तो दौड़ने लगी। फिर सफा पर चढ़ गई, बार बार कोशिश ख्याल से उन्होंने सफा और मरवा के पहाड़ों के दरमियान 7 चक्कर लगाए। यही वजह है कि मुसलमान आदमी ने हज सफा और मरवा के दरमियान सही करते हैं ताकि इस वाकये की याद ताजा हो सके। जब वो आखिरी मरतबा पहुंची मरवा की पहाड़ी के पास, उन्होंने आवाज सुनी। उन्होंने पूरी तवज्जो से आवाज सुनी तो देखा कि वहां पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे से पानी फूट रहा है। कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने साबरा खातून की मदद के लिए भेजा था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के
कदमों के पास अपना पैर मारा तो वहां से अजीम शान इस्माइल अहमद में मुदार हुआ। इनसे जमजम का आगाज हुआ। हाजिया अलैहि सलाम पानी को देखकर हैरान हो गई और उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही। पानी फूट फूट कर चारों तरफ बह रहा था। जमीन हमवार थी, इसलिए उन्होंने जमीन को खोदना शुरू कर दिया ताकि पानी इधर उधर बह न जाए। उन्होंने एक घड़ा खोदा और इसके इर्द गिर्द पत्थर रख दिए और पानी को इकट्ठा कर लिया और जुबान से बोली जम जम, जिसका मतलब है रुक जा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह इस्माइल की वालिदा पर रहम फरमाए, वो जल्दबाजी से काम न लेती तो जम जम एक बहने वाला चश्मा होता। इसलिए उन्होंने पानी पर बंद बांध दिया और पानी को जमा कर लिया। उन्होंने खूब पानी पिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी बुलाया। उनके पास ना कोई खाने की चीज थी ना पीने की, सिर्फ यही पानी था। अब चूंकि जमजम एक चश्मा था तो परिंदे भी आने लगे। इन दिनों अरब में एक कबीला बनू जरहम अर्ब को खैरबाद कह के इस तरफ आ रहा था। यमन में एक बहुत बड़ा डैम था, पहाड़ों के दरमियान उन्होंने पानी को रोककर बहुत बड़ा बंद बनाया था जिससे पूरा साल आसानी से खेती बाड़ी करते थे। इस डैम की बदौलत उनका आपाशी का निजाम बहुत अच्छा था। जब इस डैम को अल्लाह ताला ने तोड़ दिया तो वहाँ के कबीले के लोग अरब के इर्द गिर्द आबाद हो गए और वहाँ से हिजरत करने वाला एक कबीला बनू जरहम था। ये कबीला अरब था। ये कबीला हर वक्त सफर में रहता, जहाँ पानी नजर आता वहाँ पड़ाव डाल लेते और खुराक खत्म होने लगती तो आगे सफर शुरू कर देते। क्योंकि बहुत बड़े ताजिर थे, उन्हें चश्मों का खूब इल्म था, मुल्क शाम की तरफ की आमदरफ्त थी। ये कबीला मक्का के करीब पहुंचा तो फिजा में परिंदों को मंडलाते पाया तो कहने लगे, इन परिंदों की मौजूदगी में जरूर कोई राज है। फिर उन्होंने अपने कुछ आदमी चश्मे की तरफ भेजे। ये लोग जल्दी चश्मे के पास पहुंच गए। उन्होंने एक औरत और बच्चे को पाया। वो लोग उनके पास आए और पड़ाव डालने की इजाजत मांगी तो सैयदा हाजरा ने फरमाया, ठीक है मगर तुम्हें इसकी उजरत अदा करनी होगी। उनके पूरे कबीले को सामान्य जिंदगी मिल रहा था, सिर्फ एक औरत और उसके बेटे की जिम्मेदारी उन पर आयद हो रही थी। उन्होंने फौरन हामी भर ली और इस तरह सैयदा हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उनके साथ रिहाइश इख्तियार कर ली। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कबीला बनू जरहम में परवरिश पाते रहे। उन्होंने इन लोगों से अरबी भी सीख ली और उनसे भी ज्यादा अरबी दान बन गए। फसाहत और बलागत से अरबी में बात करने लगे। फिर उनकी उस कबीले में शादी हो गई। उनकी औलाद से अरब कौम का आगाज हुआ। उन्हीं में से सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। बनू जरहम की आमद और आबादी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा थी। जब उन्होंने अपनी बीवी और बच्चे को दो कमजोर इंसानों के इस वीरान जगह में छोड़ा था, उन्होंने ये दुआ फरमाई, ए हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद इस बेबाद जंगल में तेरे हुरमत वाले घर के पास बसाई है। ए हमारे परवरदिगार, ये इसलिए कि वो नमाज कायम करे, बस तू कुछ लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे और इनको फलों की रोजियां दा फरमा ताकि वो शुक्रगुजारी करें। दिन गुजरते रहे और इस्माइल अलैहिस्सलाम बनू जरहम के माहौल में उन्हीं की मंजिलें तय करते रहे और होश संभालने के करीब हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर साल एक दो बार अपने घराने की देखभाल के लिए चक्कर लगाते थे। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने होश संभाला तो एक बार फिर अजीम आजमाइश का वक्त आ गया। एक मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक जगह पर आराम फरमा रहे थे तो उनको नींद आ गई। उन्होंने ख्वाब में देखा कि अपनी बेटी इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से ज़िबा कर रही है। साथ ही आँख खुल गई। वो जानती थे कि अंबिया के ख्वाब अल्लाह की तरफ से वही होते हैं और शैतान किसी सूरत उनके ख्वाब में नहीं आ सकता, लिहाजा उन्होंने उस ख्वाब के मुताबिक अमल करने का पूरा इरादा कर लिया कि परेशानी का शिकार न हुए। अल्लाह ताला ने इस अजीम और ताजुब के इस वाकये का कुरान पाक में इस तरह से जिक्र किया है, और इब्राहिम ने कहा, मैं तो हिजरत करके अपने परवरदिगार की तरफ जाने वाला हूँ, वो जरूर मेरी रहनुमाई करेगा। ए मेरे परवरदिगार, मुझे नेक बख्त औलाद अता फरमाइए। तो हमने एक बुर्दबार बच्चे की बिशारत दी। फिर जब बच्चा इतनी उम्र को पहुंचा कि उनके साथ चलने फिरने लगा तो इब्राहिम ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, अब तू बता तेरी क्या राय है। उन्होंने जवाब में फरमाया, ए अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है कर गुजरिए, इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। बाप बेटा अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए पेश हो गए। चुनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर जंगल में चले गए और अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, कहीं बेटे की मोहब्बत अल्लाह का हुक्म पूरा करने से रोक न ले। तो फिर गले पर छुरी चलाई।
इसी वक्त आवाज आई, ए इब्राहिम, तूने हमारे हुक्म को सच्चा कर दिखाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखों से पट्टी खोली तो देखा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बजाय एक दुम्बा जिबा किया हुआ पड़ा है। इसी वाक्य की याद में मुसलमान हर साल कुर्बानी करते हैं। इस वाक्य के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस फलस्तीन पहुंचे तो अल्लाह ताला ने उनको एक और बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी दी। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 120 साल के थे और हजरत सारा अलैहिस्सलाम भी बुढ़ापे को पहुंच चुकी थी। उनके पास ये खुशखबरी लेकर 3 फरिश्ते पहुंचे। ये वही फरिश्ते थे जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तबाही के लिए आए थे, मगर अल्लाह के हुक्म से पहले यहाँ आए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से खाना काबा की तामीर का हुक्म मिला। उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा की तामीर शुरू की तो खुदाई से उन्हें हजरत सीश अलैहिस्सलाम की खाना काबा की तामीर के आसार नजर आए। उन्होंने इसी पर तामीर शुरू की। उन्होंने फरिश्तों वाली बुनियादों के आसार भी देखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवानी के दिनों में जब मक्का की कुरैश के लोगों ने काबा की नए सिरे से तामीर शुरू की तो उन्होंने उसकी बुनियादों को गहरा करना चाहा। वो खुदाई करते उन सब पत्थरों तक पहुंच गए जो पहाड़ों की चोटियों की तरह नजर आ रहे थे। उन्होंने उन पत्थरों को निकालना चाहा। एक शख्स ने एक पत्थर को निकाला तो उसके नीचे से इतना नूर निकला कि करीब था वो शख्स अंधा हो जाता। फिर वो पत्थर खुद ब खुद नीचे जा गिरा और अपनी जगह पर जमा हो गया। उसके बाद लोगों ने उन पत्थरों को हाथ न लगाया तो उसके ऊपर ही तामीर शुरू कर दी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने तामीरी काबा का जिक्र इस तरह किया है, और जब हमने बैतुल्लाह के मकान में इब्राहिम को जगह दी और फरमाया कि मेरे साथ शिर्क न करना, तब मेरे घर को तवाफ, कयाम, रुकू और सुजूद करने वालों के लिए पाक रखना, और फरमाया बेशक लोगों के लिए जो पहला घर तामीर किया गया है वो मक्का में है, वो जहान वालों के लिए बरकत और हिदायत का जरिया है, इसमें वाज़ह निशानियां हैं, तो जो कोई हर में दाखिल होगा वो अमन में आ जाएगा। एक और जगह पर अल्लाह ताला ने फरमाया, याद करो उस वक्त को जब इब्राहिम को उसके परवरदिगार ने कई बातों के जरिए आजमाया, वो पूरे उतरे तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं आपको तमाम लोगों का इमाम बना रहा हूँ। इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे रब, मेरी औलाद में से भी इमाम बनाइए। जवाब में अल्लाह ने फरमाया, मेरी इमामत का वादा जालिमों के लिए नहीं है। और एक और जगह पर अल्लाह ताला ने फरमाया, और उस वक्त को याद करो जब हमने बैतुल्लाह को सवाब और अमन की जगह बना दिया और लोगों ने मुकामे इब्राहिम को जायनमाज बना लिया। हमने इब्राहिम को हुक्म दिया, मेरे घर को तवाफ, इतकाफ, रुकू और सुजूद के लिए पाक रखो। और वो वक्त भी याद करो जब इब्राहिम ने दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, इस शहर को अमन वाला बना दे और इसके मोमिन बंदों को फलों वाला रिस्क अता कर। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं काफिरों को भी थोड़ा फायदा दूंगा, फिर उन्हें आग के अजाब की तरफ बेबस कर दूंगा। ये पहुंचने की बुरी जगह है। वक्त याद करो जब इब्राहिम और इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादों को बुलंद कर रहे थे और दुआ कर रहे थे, ऐ हमारे रब, हमारी मेहनत को कबूल फरमा, तू दुआ को सुनने वाला जानने वाला है, हमारी औलाद में से भी एक फरमा बरदार ग्रोह बना और हमें इबादत का तरीका सिखा, हम पर रुजू फरमा, क्योंकि तू ही तौबा कबूल करने वाला और राह दिखाने वाला है। ऐ हमारे रब, इन लोगों में से इन्हीं में से एक रसूल भेज जो इन पर तेरी आयात की तिलावत करे और इन्हें किताब और हिकमत सिखाए, इन्हें पाक करे, यकीनन तो गालिब हिकमत वाला है। तामीर के दौरान जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस मुकाम पर पहुंचे जहां आज हिजरा अस्वद है तो अल्लाह ताला ने जन्नत से एक सफेद पत्थर भेजा। हदीस में है कि ये पत्थर निहायत सफेद था जो कि अब सियाह हो गया है। इंसानों की गलतियां उसके सियाह होने का सबब बनी। जब दीवारें इंसानी कद के बराबर हो गईं तो इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर ले आए जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होने लगे। वो नंगे पांव थे। उस वक्त पत्थर पिघल गया और उनके पांव किसी कदर उसमें धंस गए। पत्थर पर उनके पैरों के निशानात आ गए। इसी पत्थर को आज मुकाम इब्राहिम कहा जाता है। ये मुकाम बहुत बाबरकत है। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम मुकाम इब्राहिम को जायनमाज मुकर्रर कर लो। इस तरह से काबा तामीर हुआ। फिर एक नया हुक्म आया। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, लोगों में आज का ऐलान कर दे। इब्राहिम कहने लगे, मेरी आवाज भला किस किस तक पहुंचेगी? जवाब आया, आपकी जिम्मा आवाज लगाना है, पहुंचाना हमारा काम है। फिराजी आप इराफात के एक पहाड़ पर चढ़े और जोरदार आवाज लगाई, लोगों, बैतुल हराम का हज करो। अल्लाह ताला ने जजाना तौर पर ये आवाज तमाम इंसानों तक पहुंचा दी, ख्वाब पैदा हुए थे या नहीं। दूसरा मतलब ये हुआ
कि अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में बैतुल्लाह और उसके हज की मोहब्बत डाल दी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस तरह से फरमाया है, लोगों ने जो इस्तेआत रखे उस पर अल्लाह के लिए हजी बैतुल्लाह फर्ज है, और जो शख्स जानबूझकर एतराज करे तो अल्लाह अल्लाह जहानों से बेनियाज है और उसे किसी की परवाह नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और आप लोगों में हज का ऐलान कर दें, वो आपकी तरफ पैदल भी आएंगे और दुबले पतले ऊंटों पर भी दूर दूर से आएंगे। इस तरह लोग पैदल और सवार होकर कसरत से हज के लिए आने लगे और वो वीरान इलाका आबाद होने लगा। ये थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हालात वाकियात। आप अलैहिस्सलाम ने 175 साल की उम्र में वफात पाई। आपसे पहले हजरत सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने वफात पाई। आपकी वफात की कुछ अरसे बाद हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने वफात पाई। आपको खलीलुर रहमान का लकब भी दिया गया है। आप पर अल्लाह ताला ने सहीफे भी नाजिल किए। आप अल्लाह ताला के बेहद शुक्रगुजार थे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।